दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टील क्या है, उसके एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, अगर आप सिक्स सेमेस्टर में अभी हो तो ये क्वेश्चन आपको फाइनल में लगभग चांसेस हो जाता है पूछने का। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट डू यू मीन बाय स्टील, स्टील क्या है एंड राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज भी लिखना है एंड डिसएडवांटेज भी। दोस्तों, मैंने इसका आंसर लिख रखा है, अपने मन से लिखा है, तो आप इसको अच्छा से तैयारी करके जाइएगा और लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए आंसर क्या लिखे हैं उसको पढ़ते हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स हैज हाई स्ट्रेंथ मेंबर, इट्स यूज इन लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया। स्टील स्ट्रक्चर है जो हाई स्ट्रेंथ देता है, यूज लार्ज लार्ज कंस्ट्रक्शन एरिया, इसको बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन एरिया में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, दिस मेंबर इज कवर्ड ऑन लेस एरिया, यह मेंबर बहुत कम एरिया को कवर्ड करता है एंड गिव हाई स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत मजबूती रहता है इसके स्टील को, ठीक है? डक्टिलिटी, डक्टिलिटी माने क्या होता है, लचीलापन, बहुत कम फेलियर होता है, ठीक है दोस्तों? स्टील को यूज क्यों करते हैं, कहे कि वो उसका उसमें सेल्फ फेलियर बहुत कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर स्टील हैज हाई स्ट्रेंथ पर यूनिट वेट। ये क्या है, स्टील स्ट्रक्चर हाई स्ट्रेंथ देता है, उसको मापा कहाँ जाता है, केजी में मापा जाता है, पर यूनिट वेट में मापा जाता है। सो द स्टील स्ट्रक्चर्स लाइदर देन मेड ऑफ अदर मेटीरियल्स, यानी कि स्टील स्ट्रक्चर लाइदर देन मेड ऑफ अदर मेटीरियल्स है। चलिए इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एडवांटेज देखते हैं। फर्स्ट में एडवांटेज, इसका एडवांटेज फर्स्ट हो जाएगा इजी टू ट्रांसपोर्ट, ओके, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको बहुत ही आसान होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ओके। दूसरा हम लोग ले लेते हैं एडवांटेज, इजी टू रिपेयर देन अदर मेटेरियल, अदर मैटेरियल, इसको बहुत ही आसान होता है इसको रिपेयर करने में देन कंपेयर अदर मेटेरियल। नेक्स्ट क्या है, का स्क्रैप वैल्यू, ओके दोस्तों, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं स्क्रैप वैल्यू, अगर आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है? स्क्रैप वैल्यू होता क्या है, जब कोई पुराना बिल्डिंग का उसका टूटा फूटा को अगर उसको बेच दिया जाए, उससे कुछ मुनाफा कोई फायदा हो, तो उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। उसको जहां से हम लोग का पैसा आता है, तो उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, ठीक है? आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा फोर नंबर, इजी टू रिप्लेसमेंट, ओके, इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इजी टू रिप्लेसमेंट, अगर उस वहां पे खराब हो गया, स्टील खराब हो गया, तो हम उसको रिप्लेस आसानी से हम लोग उसको बदल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फाइव नंबर हम लोग लिख लेंगे इलास्टिसिटी, ये स्टील हम लोग का बहुत ही लचीलापन होता है, इलास्टिसिटी होता है, ठीक है? बस एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज हम लोग का हो जाएगा कितना, फर्स्ट में हो जाएगा हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस, इसको यूज करने में कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ही ज्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं हाई
मेडिटेरेनियन कोस्ट कोस्ट ओके इसको मेंटेन करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पुअर फायर प्रूफिंग ओके बहुत ही उसका पुअर फायर प्रूफिंग यानी कि उसमें जल्दी आग लगने का संभावना है। ओके नेक्स्ट देखते हैं फोर नंबर स्टील मेंबर एक्सपोज टू एयर एंड वाटर स्टील मेंबर है जो एक्सपोज करता है एयर एंड वाटर को। ठीक है डिसएडवांटेज हम लोग अभी हो गया। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो जरूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। जय हिंद।